बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली कामरान काजमी। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को ये मसला आ रहा है कि असास नादरा पोर्टल के ऊपर जब वो अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आज से एक दिन पहले तक उनको जो स्टेटस मिलता था वो मिलता था कि आप इंतज़ार फरमाएं, आपका अभी जांच पड़ताल के मराहिल के अंदर है। लेकिन अब जब वो डाल रहे हैं तो उनको कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक भाई का नंबर है, CNIC नंबर, मैं उनका नंबर डाल के चेक करता हूँ। कल तक, परसों तक इनको मैसेज आता था कि जांच पड़ताल के अंदर है। अब अचानक आज उनको जो मैसेज आ रहा है वो कुछ इस तरह का मैसेज है। मैं अभी आपको सर्च करके दिखाता हूँ ताकि बेहतर पता चले हमें कि अभी क्या आता है इनका मैसेज। ये हो गया, ये मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ। ये मैंने कोड डाल दिया इनका और अब मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ से मैं इनको जो है ना वो सर्च कर देता हूँ। अब इसको, ये मैंने CNIC नंबर डाल दिया था, ये मैंने कोड डाला और ये तस्दीक करें कर देता हूँ। अब जैसे ये मैंने किया तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। बज़िद माजरत, आप एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं। अच्छा, देखें कल तक इनको जाँच पड़ताल का आ रहा था, ठीक है ना, कल सुबह तक में, और शाम में जब ये चेक किया गया तो बज़िद माजरत हो चुका है। अब मैंने आज जो है ना वो दो जगहों के ऊपर कॉल्स की जिनके मेरे पास नंबर थे और मैंने मालूम किए, कंफर्म किया है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर फिलहाल जिनको बज़िद माजरत एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का हिस्सा आप नहीं हैं, इसका मतलब ये कि उनके ख़ानदान के अफराद एहसास कैश से इस्तफादा कर चुके हैं और ये लाजमन उन्हीं के साथ मसला पेश आया है कि जिनको ये कहा जा रहा है एहसास वेब पोर्टल के ऊपर कि बज़िद माजरत आप एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं। या फिर दूसरी बात ये है कि जांच पड़ताल के वेब पोर्टल पे देखने से पहले उनको एक दफ़ा मैसेज नाअहल का जा चुका है और जब वेब पोर्टल के ऊपर दोबारा किया गया था तो जाँच पड़ताल आता था और अब उसके बाद ये दोबारा बज़िद माजरत कर दिया गया है। ये दो जगहों से मैंने कन्फर्मेशन ली है, उसके बाद ये मैं बात आपको बता रहा हूँ। या फिर एक चीज़ और है कि बज़िद माजरत जिन इनको नाअहल कर दिया गया है लेकिन बाकायदा इसका एहसास कैश के अंदर बता दिया जाएगा कि इनको नाअहल कर दिया गया है, लेकिन जब तक प्रोग्राम का एंड नहीं होता है इनको चाहिए कि ये स्टे करें, होल्ड करें, वेट करें और देखें के क्या होता है। क्योंकि अभी तक ये जो बज़िद माजरत वालों का कहा गया है उनका क्लेरिफाई यही किया गया है कि उनको एहसास कैश के अंदर से नाअहल कर दिया गया है। ये अब तक की कंफर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे बाबा इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर दे रहे हैं, बाबा मुझे मैसेज जीमेल के ऊपर कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि अली भाई इसका जवाब दें, इसका बताएं, इसका बताएं। तो भाई अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसका जो क्लेम पोर्टल आता है, बाद लोग सिटीज़न पोर्टल के ऊपर अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं उसका कोई आप लोगों को अपडेशन भी नहीं दे रहा हूँ। एहसास क्लेम पोर्टल का मैंने दो दफ़ा ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर चुका हूँ, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका रिस्पांस मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहा हूँ। आप लोग भी अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक कोई अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाता है किसी और की आवाज़ में वो पावर नहीं होती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज इंशाल्लाह ताला दो तीन वीडियोज़ बड़े इंटरेस्टेड आने वाली हैं ताकि आप लोग टाइमली और वीडियोस देख सकें। मुझे दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।